गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल में मैं हूं आपका दोस्त गौरव। सीडीपी या बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल में आपको सीटेट, यूटेट और आपके केबीएस, एनबीएस और एसएससी बैंकिंग जैसे सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, जो सीडीपी के अंतर्गत जो पिछला टॉपिक है उसमें एक चीज और रह गई थी, उसको पहले करेंगे फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हमने मैंने आपको जीन प्याजे जो है उनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बता दिया था। साथ के साथ मैंने उसके बाद उसमें कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वो भी चीज़ बता दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको आपको उसके बारे में पूरी जानकारी पता चल जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम हैं उसी में एक तीसरी जो थ्योरी जो रह गई थी उसी चैप्टर के अंदर, वो थी जो वाइगोत्स्की की सामाजिक सिद्धांत, ठीक है ना। तो हम उसी को पढ़ेंगे आज, शुरुआत उसी से करेंगे। वो है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, का सिद्धांत, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल, और इसको सोशल कल्चरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे, ये कहां के थे? सोवियत रूस के वैज्ञानिक थे, सोवियत रूस। आप जानते हैं कि जो रूस है वो पहले किसका भाग था? सोवियत संघ का भाग था। तो उस टाइम पे ही सोवियत जो रूस है उसको रूस को सोवियत रूस कहा जाता था। उसके जो वैज्ञानिक थे वो है लेव वाइगोत्स्की। तो इन्होंने व्यक्ति जो बालक है उसके जो संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, उसको उन्होंने एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव में दिखाया, और वो पर्सपेक्टिव था सोशल डेवलपमेंट का, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के जो बालक है उसका जितना भी संज्ञानात्मक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो समाज के बीच में रह के होता है। समाज के लोगों से जब वो इंटरेक्ट करता है उसकी अंतःक्रिया होती है उस, और वो अपने आसपास की कल्चर को जानने लग जाता है, अपनी संस्कृति को जानने लग जाता है, तब ही उसके संज्ञान का पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है। इसीलिए जो है उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें समाज और संस्कृति पर सबसे ज्यादा जोर दिया, ठीक है। तो इससे जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये जो वर्ड अगर कहीं भी आपको दिखे, सोशल एंड कल्चरल वर्ड, तो इस पर सीधे सीधे आप वाइगोत्स्की पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से था। इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने एक चीज, एक और थ्योरी दी थी छोटी, वो थ्योरी है समीपस्थ विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसी थ्योरी का पार्ट है वाइगोत्स्की की थ्योरी का। इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट था स्कैफ होल्डिंग का, स्कैफ होल्डिंग, इसका मतलब होता है सहायता करना, ठीक है। तो जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा था कि भाई एक होता है बालक का वास्तविक जो विकास, वास्तविक विकास, और एक होता है संभावित विकास, ठीक है। यानी कि
जो बच्चा है वो स्वयं से कितना डेवलप हो सकता है वो उसका वास्तविक विकास है, लेकिन जब उसको कहीं से बाहर से स्कैफ होल्डिंग मिलती है, सहायता मिलती है, किसकी सहायता से, जैसे कोई बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है उसे किसी कोच की सहायता, किसी हेल्पर की, किसी एक्सपर्ट की, कोई टीचर की, इस प्रकार से कोई भी बाहरी सहायता मिलती है, तो उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो जाता है, उसकी जो डेवलपमेंट के विकास की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये जो वास्तविक विकास है ये तो इतना है, लेकिन उस संभावित विकास कितना है, तो इनके बीच में डेवलपमेंट कहीं होगा, मतलब बच्चा स्कैप होल्डिंग के बाद भी पूरी तरीके से उतना डेवलप तो नहीं हो पाएगा जितना एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ कहीं क्या होगा, उसके संभावित विकास का क्षेत्र होगा, संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। यानी कि ये एरिया जो है वो है जेड पीडी, कौन सा, जो वास्तविक विकास एक्चुअल डेवलपमेंट और संभावित विकास इनके बीच में जो एरिया होगा वही होगा जेड पीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो जोन जेड पीडी है वो क्या, जेड पीडी थ्योरी किसने दी थी, वाई ग्रुप्स की ने दी थी, कहां पर होता है, वास्तविक और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वो किसकी मदद से संभावित विकास को प्राप्त करता है, स्कैप होल्डिंग, स्कैप होल्डिंग का मतलब है सहायता, बाहरी सहायता, वो किसी कोच की हो सकती है, किसी टीचर की हो सकती है, कोई भी एक्सपर्ट उस क्षेत्र में उसकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये स्कैप होल्डिंग क्या चीज हुई है, ये पिछले साल क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि स्कैप होल्डिंग का मतलब क्या है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो स्कैप होल्डिंग सहायता देना, हिंदी में इस अजीब सा वर्ड आया था इसका, पार करके कुछ वगैरह, तो आप देख लेना, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है कि स्कैप होल्डिंग, ठीक है, हिंदी में कुछ भी है, ठीक है। तो यह है आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो तीनों सिद्धांत है वो विकास के सिद्धांत के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, निकोल बर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है।